सतसंगते दुरा लव संसारा निमिषे दंड भरे जन्म जन्म मुनि जतन कराहि अंतराम कहे सही आ रही है बात है ठीक है ठीक है। वैसे उस जगह पर छोटी एलसीडी लग सकती है कल से इनके लिए इनके घर पर होगी। जन्म जन्म मुनि जतन करा अंतराम कही कल बात चल रही थी कि ये जो गंगाएं हैं ना, एक भगवान के शिव के शीश से निकली है और एक भगवान के मुख से निकली है। जो वो जो गंगा जी सोरों कचला रामघाट पे हैं, वे भगवान के सिर से निकली हैं, शीश से निकली है और ये भगवान के हृदय से निकली है। रच महेश निज मानस राखा रच महेश पाए सुसमय शिवासन भाखा पाए सुसमय यह कथा की गंगा
भगवान शिव के मुखार विंद से निकली है। पता है गोस्वामी जी ने सब मंगलाचरण करके वंदनाएं करके उसके बाद जब कथा को शुरू किया तो प्रयागराज त्रिवेणी का जो संगम है जहां गंगा यमुना सरस्वती, आप सब लोग मेरे साथ साथ बोलते हो तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, इसलिए कोई बात जब मैं आधी छोड़ दूं तो उसे पूरा किया करो और पूरी आवाज में किया करो। कैसे करनी है अब दोबारा चांस दे रहा हूं। गंगा यमुना ये बात, जैसे लोगों को देश विदेश में पता लगा कि ये मेरा पुराना क्षेत्र है। हाँ? यहाँ शमशाबाद क्षेत्र में क्या है कि शुरुआत में मैंने बहुत कथाएं बहुत सत्संग बहुत उद्यम किए। क्यों भाई उद्यम? तुमने नहीं, हमने भी उद्यम किए। तो अब शुरुआत में हर गांव में मैंने कथाएं करी तो मेरे बारे में जो है एक गड़बड़ी हो गई। यहाँ जिसने मुझे दिग्नेर में देखा वो मुझे दिग्नेर वाले बाबा कहते हैं, जिसने मुझे शमशाबाद में देखा शमशाबाद वाले बाबा कहते हैं, जिसने मुझे लखुरानी में देखा वो लखुरानी वाले बाबा कहते हैं। तो पता ही नहीं चल रहा कि मैं कौन से वाला बाबा हूँ। शुरुआत के क्षणों में जहां जहां समय व्यतीत किया लेकिन पता है ये देखनेर वालों को एक भ्रांति है। देखनेर वाल क्या पूरे शमशाबाद क्षेत्र को भ्रांति है कि सबसे पहले पहले कथा हमारे यहाँ हुई। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। मेरी सबसे पहली कथा जिन्होंने कराई थी वो लोग यहाँ बैठे हैं आज अहमदाबाद गुजरात में। सबसे पहली कथा और जिसमें देखो अभी तुम फोटो देख रहे हो ये मेरा ढोलक वादक था। संगीत पे टीम थी इन लोगों की, तब ये नहीं थे ये मुकेश फुकेश, तो ये बाद की बात है, ये तो बहुत बाद में। इसको योगेंद्र को तो एक पिल्ला पकड़ के लाया था। पिल्ला का मतलब कुतिया का बच्चा नहीं, उस आदमी का नाम पिल्ला था, छोटो रूप है। नहीं 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 उसका नाम ही पिल्ला था। जयपाल सिंह नाम था, नाम जयपाल सिंह। ये तो बहुत बाद में आए हैं। पहले मैं ये लोग मेरे संगीत वाले रहा करते थे जो आज गुजरात से यहाँ सामने बैठे हैं। ये झींका बजाया करते थे इधर बैठे हैं दीवान सिंह। इनके घर की मंडली थी, पूरा परिवार आ गया। तो ये लोग सबसे पहले मेरी कथा की तैयारी मैंने की थी तो तीन महीना चली होगी। तीन महीना ढाई तीन महीना करीब कथा का मैंने वही पढ़ाई लिखाई अध्ययन। एक कमरा मिला था मुझे उसमें चुपचाप मैं करता था, फिर वहां से आया तब यहाँ पे कथाएं प्रारंभ हुई। तो जब कोई बात अधूरी छोड़ूं तो उसका रिस्पॉन्स मेरे साथ साथ गंगा यमुना फेंडा भाई जोते बोल रहे हैं, अच्छा लगेगा, ऐसे ही अच्छा लगेगा। ये फेंडा पूरे नहीं आए अभी, क्या बात है। हाँ नहीं हमारी तुम्हें इकट्ठा हो जाएगी, सब बुला लो। कल ही कही थी ना तुम्हारी बात जो नहीं मानेगा पछताएगा। हाँ अभी फोन कर करके बुला लो सबको। हाँ
भैया। तो ये त्रिवेणी संगम से कथा प्रारंभ होती है। प्रयागराज, वहां तीनों धाराएं बहती हैं, माघ मकर गत जवि रवि हो। सब लोग वहां इकट्ठे होते अपने अपने परिवारों के साथ, सन्यासी वैरागी अपने शिष्य परिवार के साथ और गृहस्थ अपने गृहस्थ परिवार के साथ, सब इकट्ठे होते। जब मेला पूरा हो जाता सब जब अपने अपने प्रस्थान कर जाते। मेला जब पूरा हुआ
भरद्वाज जी के आश्रम पे आए थे ऋषिवर, बहुत बड़े ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी महाराज। जब सब विदा होने लगे और याज्ञवल्क्य जी भी जब चलने लगे, तब भरद्वाज जी ने पांव पकड़ लिए। हे मुनिवर, अभी मेरा मन नहीं भरा है, आप ठहर जाओ। अब ये पब्लिक सब अपने अपने घरों को चली जाएगी, तो मेरे को कुछ अपने मन के व्यक्तिगत पर्सनल सीक्रेट कुछ रहस्य भरे प्रश्न अभी मुझे पूछने हैं, मेरे मन की शंकाएं हैं। मेरी प्रार्थना है आप रुक जाइए। तब जाग बले का मुनि परम ऐसा मन हुआ कि मैं इनको रोकूं और पांव पकड़ लिए। और याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठा। सादर अति अति पुनीत आसन बैठा रे। भैया ये नियम कहता है कि जिनसे हमें उपदेश लेना है, जिनसे हमें ज्ञान लेना है, उनके प्रति हमारा आदर भाव होना ही चाहिए, तो उपदेश पच जाएगा। उपदेश हृदय में पच जाएगा। इसलिए भरद्वाज जी ने चरण पखाड़ करके, चरण धो करके और प्रश्न करने से पहले थोड़ा सा हमें अनुनय, विनय, प्रार्थना और आज्ञा लेनी होती है। अनुनय
अनुनय विनय प्रार्थना करके भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी का चरणामृत लिया और फिर प्रार्थना करी। नाथ एक संग सेउ बड़ भोरे, नाथ एक सब तो बड़ा भय और संकोच लग रहा है, पर न कहूं तो बड़ा नुकसान होता है। ये क्या कहना चाहते हैं भरद्वाज जी कि गुरुओं से कोई बात संकोच लगता हो, भय लगता हो, ठीक है, संकोच भय होना चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें बहुत बड़ी हानि की होने की संभावना होती है, तो उन बातों को गुरुओं से कह देना चाहिए। तो जौन कहूं बड़ होए अकाजा, इसलिए कह देना चाहिए। तब उन्होंने प्रार्थना करी कि गुरुजी, ये जो राम तत्व है ना, राम तत्व, इसको जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा और लगे हुए हैं, पर ये राम तत्व वास्तविक है क्या, अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। आप कृपा करके मुझे इस राम तत्व की, इस रहस्य को समझाइए। अस विचार प्रगट हूं निज मोह, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। अस विचार प्रगट हूं निज मोह, मैं अपने मोह को प्रकट कर रहा हूं, प्रभु आप मेरे मोह को दूर करिए और मेरे ऊपर कृपा करिए। छोह, छोह माने कृपा करो, प्यार करो, अपनो दुलार मेरे ऊपर लौटाइए, इस मेरे मोह को दूर करने के लिए। अब वो अपना मोह प्रकट कर रहे हैं, क्या राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर राम नाम कर
तुम्हें कैसे पता भरद्वाज जी? मैं नहीं कह रहा हूं तो वेद पुराण उपनिषद जिसके नाम का अमित प्रभाव है, हे गुरुवर, हे मेरे मालिक, अब मैं ये पूछना चाहता हूं, राम कवन में पूछूं तो ही वो राम कौन है? हे राम कवन करते हो तो हमारा दुगना जोश हो जाता है। ज्यादा मत करना, नहीं हम दुगने पे बोलने लगेंगे। एक राम चरित्र पूरे संसार को पता है। दिनकर चरित विदित संसार
भगवान एक नाम के बारे में मैंने सुना है, उनका बड़ा प्रभाव है दुनिया में। संत पुराण उपनिषद वेद सब गाते हैं। मैं इनमें कंफ्यूजन में हूं कि जो दशरथ जी के यहाँ पैदा हुए वे ही हैं क्या या फिर कोई और है।